जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। डैनियल 3 चैप्टर में शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर को ये जवाब देते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आंख से बचाने की शक्ति रखता है। इंग्लिश में ये बात ऐसे लिखी है कि जिस खुदा को हम सर्व करते हैं। हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए कि जिसकी हम सेवा करते हैं, यानी कि गॉड हुम वी सर्व। इन तीनों की जान पर बात आई हुई थी, लेकिन ये इस लेवल पर आ चुके हैं कि ये जवाब नहीं देते हैं कि परमेश्वर है, ये कहते हैं कि परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। 18वीं आयत में वो ये कहते हैं कि राजा तुझे ये पता चले कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, यानी कि उनको सर्व नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को हम दंडवत करेंगे, यानी कि वर्शिप करेंगे। अब इस तरह का कॉन्फिडेंस तो तभी आ सकता है जब हमने परमेश्वर की वाकई सेवा की हो या उसे सर्व किया हो। मतलब कि बचाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बचा सकता है, लेकिन नहीं भी बचाएगा तो भी हम तैयार हैं। आज दुनिया भर में विश्वासी जन पाए जाते हैं हर एक देश में, लेकिन उनमें भी कैटेगरी होती है। जरूरी नहीं है कि सारे विश्वासी इस स्तर पर हों, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा ही कॉन्फिडेंस सबके पास होना चाहिए कि परमेश्वर तो है और हमने उसकी सेवा भी की है अपनी जिंदगी में। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें जान का खतरा तो हमेशा से ही बना हुआ है, चाहे वो किसी भी पीढ़ी के लोग हों। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के केस में हम देखते हैं कि परमेश्वर बीच में आकर के बचा भी लेते हैं उनको। अब मैं इसकी तुलना यूहन्ना 12:26 से करता हूं, जो कि यीशु मसीह ने कही अपने चेलों से, अगर कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और इसके आगे की बात पर ध्यान दीजिए, यहां लिखा है यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये वादा किया है कि अगर कोई उसकी सेवा करे यानी उसे सर्व करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह ने इस आदर की जो बात की है ये आपको जीते जी ही मिले, ये आपको मरने के बाद मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने उसे सर्व किया हो तब ऐसा होगा कि पिता आदर करेगा। अब ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात के जस्ट बाद एक बात कही, और वो भी अपने लिए कही। उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के विश्वासियों को। आगे लिखा है कि अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। इसका अर्थ ये है कि क्या यीशु मसीह को ये कहना चाहिए पिता से कि क्या मुझे ये सब फेस ना करना पड़े, मुझे बचा लीजिए, ऐसा मैं बोलूं? आगे यीशु कहते हैं इसी वजह से इस घंटे तक तो मैं आ पाया हूँ। सीधा सा मतलब ये है कि जान देने की घड़ी आ पहुंची है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यीशु मसीह को यहां बचाया नहीं गया, और ना ही यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बचाइए मुझे बचाइए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आखिरकार बचा लिया जाता है, लेकिन यीशु मसीह को बचाया नहीं जाता है, और वजह है प्लान ऑफ गॉड। वहां शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाकर परमेश्वर अपने प्लान को पूरा कर रहे थे, और यहाँ यीशु मसीह की सलीब हो जाने की वजह से परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान पूरा हो रहा था पृथ्वी पर। तो आपको और मुझे ये नहीं सोचना है कि हमारी कौन सी प्रार्थनाओं का जवाब हमारे हिसाब से मिला या नहीं मिला, या सुनी गई या नहीं सुनी गई। हमें इस बात का कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना चाहिए कि हमने उसे अपनी जिंदगी में सर्व किया है, लास्ट तक किया है। और यीशु मसीह का खुद का ये वादा है अपने मुंह से किया हुआ अपने चेलों को कि जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। देखिए एक ना एक दिन हमारी ये जिंदगी खत्म होनी ही होनी है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा ये चुनाव रहेगा कि हमने प्रभु को सर्व किया। हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं भी आई, हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं नहीं भी सुनी गईं, तब पर भी हमने उसकी सेवा की, हमने उसे सर्व किया, जान हथेली पर लेकर भी किया और जान पर खेलकर भी किया, क्योंकि आखिर में यही काउंट होगा। सबको जय मसीह की।